कि हम कामों के प्रति संजीदगी भी रखेंगे और दबाव भी बनाएंगे। हमारी तरफ से प्रस्ताव नियमित तरीके से सरकार को मिलेंगे और इन भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा रहेगी कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। हल्द्वानी से नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदय आज मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभाने का प्रयास करेगी और जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा, ये समय कांग्रेस के लिए बेहद कठिन है। इस समय कांग्रेस को एकजुट होकर जनता के जनादेश और हार के कारणों को समझने की जरूरत है। बड़ी चुनौती है, अनुकूल परिस्थितियों में और हल्द्वानी के विकास के लिए बहुत अच्छा एक अवसर था अगर कांग्रेस की सरकार बनती और मैं यहाँ से चुना चुका हूँ उस सरकार में हम लोग अपनी जिस भी हिस्सेदारी में काम कर पाते। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश आया जिसका हम सम्मान करते हैं तो अब उसके हिसाब से हमें कार्य करना है। देखिए, हम कामों के प्रति संजीदगी भी रखेंगे और दबाव भी बनाएंगे। हमारी तरफ से प्रस्ताव नियमित तरीके से सरकार को मिलेंगे और सरकारी चाहे मंत्री हो मुख्यमंत्री हो उन पर हम दबाव बनाएंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। इन भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा रहेगी कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। बयानबाजी जो चल रही है, बयानबाजी को किस तरह देखते हैं, दो बड़े नेताओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी, ये बहुत दुखदाई है और ये कठिन जो समय कांग्रेस का चल रहा है इस पर मरहम लगाने की जगह थोड़ा सा इसमें परेशानी दे रही है। हमारे सब बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद अपने कार्यकर्ताओं पे बनाइए, मार्ग दिखाइए, राह मार्ग प्रशस्त करिए। और इस समय अगर कुछ दिनों सारे हमारे लोग 70 के 70 प्रत्याशियों को बुला के एक जगह आत्ममंथन शिविर करें और कुछ दिनों तक चुप्पी साध लें तो जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करने में और समझने में आसानी होगी। क्या आप भी परेशान हैं अपने बिजनेस को लेके और ट्रेडिशनल विज्ञापन से? तो आज ही कॉल करें सितारगंज टीवी को और बनाएं डिजिटल प्रोफेशनल वॉइस ओवर विज्ञापन और छा जाएं अपने क्षेत्र में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें दिए गए नंबरों पर।